रोड की हम लोग काम शुरू कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इलेक्शन के पहले वो काम खत्म हो जाए। कुछ को दिया है, मैं रईस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी और जितने भी गटर के काम बचे हुए हैं सब मैं इंशाल्लाह करा के दूंगा। और पानी की जो समस्या है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, रईस भाई से बात हुई है, रईस भाई ने कहा है कि मतलब अभी पानी के लिए जो भी फंड रहेगा मैं बाबू दूंगा और आप लोग जो है काम करो। हम लोग पब्लिक के काम के लिए यहाँ पे आए हैं और पब्लिक का काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज वार्ड नंबर 11 में आमदार रईस शेख की 30 लाख और 10 लाख कुल 40 लाख की निधि से काम की ओपनिंग की गई, जहां 30 लाख की आमदार निधि से बस्ती कंपाउंड का आरसीसी रोड और 10 लाख की निधि से दूसरा रहमतपुरा में गटर का काम होना है। ये प्रोग्राम समाजवादी पार्टी के शफीक बाबू की तरफ से रखा गया था, जहां समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों के लोगों ने शामिल होकर वहीं पिछले कई महीनों से शफीक बाबू आमदार रईस शेख से इस काम के लिए निधि की मांग कर रहे थे, जिसके आमदार रईस शेख ने निधि देकर काम की शुरुआत की। वहीं इस वार्ड की हालत पिछले कई सालों से काफी खराब है, जिसके लिए शफीक बाबू ने आमदार रईस शेख से निधि की मांग की है और बताया कि उन कामों की भी शुरुआत जल्द होगी। लोगों ने शफीक बाबू का शुक्रिया अदा किया। वहीं आमदार इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहने वाले कई नेता अपनी पार्टी को छोड़ अब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए रईस शेख के करीब आते भी दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला देखिए इस वीडियो में। और जो है रईस भाई आप यहाँ पे आए हैं, आपका तहदिल से पूरे एरिया के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, इन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए रहमतपुरा 2 में यहाँ पर रोड का एंट्री का रोड बहुत खराब था, तो 30 लाख रुपए से वो निधि देकर वो रोड का काम आज चालू किए। उसके बाद बाबू भाई भी काफ़ी गटर के काम यहाँ पे करने वाले, इनको भी निधि हमने दी है। रहमतपुरा में अलहमदिल्ला काफ़ी काम हुआ, चाहे कब्रिस्तान का हो चाहे हॉल का हो। सबसे बड़ी बात के शांति नगर को आज मेन रोड से जोड़ा गया है, पाइपलाइन रोड से। यहाँ पर अभी आप आगे जाएंगे तो और बाजी मार्केट से आगे जो स्कूल है, मेरे ख्याल से 9900 है, वहाँ भी डिजिटल क्लासरूम का भी इनॉग्रेशन जल्दी होगा। हमारी कोशिश है कि कैसे हम लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर करें। जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके प्रॉब्लम को हम हल करें। उसी के तहत जो है ये रोड की हम लोग काम शुरू कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इलेक्शन के पहले वो काम ख़त्म हो जाए। तो भाई ये काम जो है इसकी शुरुआत होने के बाद ये खत्म करते हो? जल्द होगा। अभी देख रहे हैं आप काम तो काफ़ी फटाफट हो रहे हैं, बारिश के ऊपर है, लेकिन जल्द से जल्द काम खत्म होगा। क्या कहेंगे भाई आने वाले इलेक्शन में जो है असेंबली का इलेक्शन आपको बहुत ज़्यादा उसमें ये बताइए कि इलेक्शन जो है वो कब होगा? अब वो तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, लेकिन हम लोग का अंदाज़ा है कि मिड नवंबर में होगा इलेक्शन, मिड नवंबर में, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। शादी हॉल जो आपने बनाया लोगों का ऐसा कहना है कि पहले 100 रुपये उसका भाड़ा था, बाद में 6000 हुआ, तो कॉरपोरेशन जो है मतलब इतना अफोर्ड गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करें? आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है कि 100 रुपये भाड़ा था, पहले भी भाड़ा था, उसको चलाने के लिए जो रेट लगता है, क्योंकि पहले ग्राउंड था, अब ग्राउंड प्लस 2 है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से लगा दी गई है, स्टेज बना दिया गया है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए 6000 रुपये तय हुआ है। हम उससे भी अग्री नहीं करते, मैं कोशिश करूंगा कि वो कम हो जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसमें इतना पैसा जमा हो जाए कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी
भर दी जाए। अभी पहले से कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, पहले ग्राउंड फ्लोर था, अभी ग्राउंड प्लस वन हो गया। और इंशाल्लाह आपने मेरे से बात पहुँचाई है, मैं कोशिश करूँगा उसका जो रेट है कम से कम आधा हो जाए। बाबू भाई आज यहाँ पे रहमत दूसरे रहमत में दो कामों की ओपनिंग रखी गई, क्या सब प्रॉब्लम भाई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता चलूँ, ये रहमतपुर दो ऊपर जो कब्रिस्तान के ऊपर का एरिया है, यहाँ पर गटर की और पानी की काफ़ी समस्या है, और बहुत दिनों से यहाँ पर गटर को लेकर जो है लोगों में जो है नाराज़गी थी, क्योंकि यहाँ पर 25 साल के अंदर समझ लो किसी ने गटर का कोई काम नहीं किया। इसके पहले भी गटर का काम हम लोग ही नहीं किए थे, और अभी वापस से रईस भाई ने जो फंड मुझको दिया है, मैं रईस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी और जितने भी गटर के काम बचे हुए हैं सब मैं इंशाल्लाह करा के दूंगा। और पानी की जो समस्या है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी रईस भाई से बात हुई है, रईस भाई ने कहा है कि मतलब अभी पानी के लिए जो भी फंड रहेगा मैं बाबू दूंगा, और आप लोग जो है काम करो, हम लोग पब्लिक के काम के लिए यहाँ पे आए हैं और पब्लिक का काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। बाबू भाई एक सवाल और, जो कि समाजवादी के हमेशा खिलाफ रहे भाई, देखो अभी इसके बारे में तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि पूरा भिवंडी शहर जानता है, हर कोई रईस भाई से जुड़ना चाहता है, और आमदार समाजवादी पार्टी का जो हमारा आमदार है दमदार, उससे जुड़कर ही लोग काम करने के चक्कर में, क्योंकि सब जो है पूरा 5-7 साल से कुछ काम तो जो लोग दिख रहे, जो हमारे वार्ड में तो कोई काम ऐसा दिखा नहीं हमको, समझे क्या? इसके लिए जो है आज उनके साथ फोटो लगा के अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक जागरूकता है, और पब्लिक के अंदर जो है सब चीज़ की समझ है कि कौन आदमी काम का और कौन आदमी बेकाम का है।